નમસ્કાર, ન્યૂઝ લાઈવમાં આપનું સ્વાગત. હું છું નેહલ. સૌપ્રથમ વાત કરીએ વરસાદને લઈને મહત્વના સમાચાર. ગુજરાતભરમાં આગામી બે દિવસ વરસાદ, ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. વિશેષ રૂપે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રમાં ખૂબ જ ભારે વરસાદ પડી શકે તેવી હવામાન વિભાગે આગાહી કરી છે. દરિયાકાંઠે લો પ્રેશર સર્જાશે અને તેનાથી તેની વિપરીત અસર પડશે. માછીમારો માટે તેમજ પોર્ટ ઉપર પણ વિશેષ ચેતવણી મૂકવામાં આવશે. દરિયાકાંઠે લો પ્રેશર સર્જાશે અને તેને કારણે વધુ વરસાદ પડી શકે છે. તો ગુજરાતમાં આગામી બે દિવસ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. अत्यंत भारी बारिश होने का संभावना है. जो अत्यंत भारी बारिश यानी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल मोस्टली साउथ गुजरात रीजन में रहेगा, जिससे डिस्ट्रिक्ट नवसारी, बोलसाड़, दामन, दादरा नगर हवेली, ताप, सूरत, ये जगहों में रहेगा हेवी से वेरी हेवी और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल रहने का संभावना है. और रेनफॉल बहुत रहेगा नौसारी और डांग, दामन, बलसार, दामन, दादरा, इवन 30-40 सेंटीमीटर होने का संभावना है. सूरत तापी में भी 22-30 सेंटीमीटर तक होने का संभावना है. और सौराष्ट्र कच्छ देखा जाए तो जूनागढ़, गिर सोमनाथ, दीव, भावनगर में एक्सट्रीमली हेवी हो सकता है, लेकिन वो आइसोलेटेड प्लेसेस में होगा. एक्सट्रीमली हेवी और हेवी टू वेरी हेवी आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का संभावना है. कुल मिला के पूरे गुजरात में आज लाइट टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हेवी रेन होने का संभावना है. डे टू यानी कल 15 तारीख को गुजरात में, गुजरात रीजन में रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा सा कम होने का संभावना है. फिर भी एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है, जैसे नवसारी, डांग में होने का संभावना है. बलसाड़, दामन, दादरा नगर भी, तापी, सूरत में हेवी टू वेरी हेवी रेन होने का संभावना है. लेकिन सौराष्ट्र कच्छ में रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने का संभावना है और एक्सट्रीमली हेवी जैसे 15 तारीख को भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, जूनागढ़ में होने का संभावना है. और पोरबंदर, द्वारका में हेवी टू वेरी हेवी हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में. और जो अगले 48 आवर्स में एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म होने का संभावना है गुजरात कोस्ट में, उसके लिए बोट वार्निंग जाएगा. फिशरमैन के लिए अगले 5 दिन फिशरमैन वार्निंग है, फिशरमैन को जाना मना है. अहमदाबाद में क्या सिचुएशन रहेगी? अहमदाबाद में और अदर डिस्ट्रिक्ट में भी मॉडरेट टू हेवी रेन होने का संभावना है. मॉडरेट रेन तो होगा ही और लाइट टू मॉडरेट तो रहेगा, कभी कभी एक हाथ हेवी स्पेल भी हो सकता है.